रजत दलाल और विवियन डिसेना के बीच हुई खतरनाक बहस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विवियन डिसेना आते हैं और उन्हें लगता है कि वो टाइम गॉड है तो उनकी बात सब कोई मानेगा, पर ऐसा नहीं होता है। विवियन डिसेना आने के बाद रजत दलाल को बोलते हैं, जाकर देख कोई सो तो नहीं रहा है। और यहाँ पर रजत दलाल भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि मैं क्यों देखूँगा, मैं तेरा कोई नौकर थोड़ी हूँ। और इस पर विवियन डिसेना का कहना है कि अरे भाई, इस घर का हिस्सा है ना तू, अगर मैं बोल रहा हूँ एक काम करने तो कर देगा तो क्या हो जाएगा। तो इस पर रजत दलाल का कहना है भाई कि तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करता हूँ, समझा क्या। इस पर विवियन डिसेना बोलते हैं तू, तेरी बातें जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, तू बिना मतलब की बातें ही करता है। पर रजत दलाल भाई साफ मना कर देते कि भाई मैं किसी के मन की यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ कि मैं किसी के कहने पर जाकर उसका इच्छा पूरा करते रहूं, ऐसा मैं किसी का नौकर नहीं हूं, तुझे जो करना है वो तू खुद कर ले। जी हाँ दोस्तों, कुछ ये कहकर यहाँ पर रजत दलाल और विवियन डिसेना के बीच में बहुत ही खतरनाक बहस देखने को मिलती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रजत दलाल का रिप्लाई पसंद आ रहा कि उन्होंने भाई साफ मना कर दिया है, क्योंकि टाइम गॉड खुद को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। फिलहाल दोस्तों, विवियन डिसेना और रजत दलाल में से आप किसे पसंद करते हो, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। बिग बॉस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।